हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सीमा सीयू में। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं कि जो जिंदल पार्क है वहाँ पर, तो मैं यहाँ का नज़ारा आप लोगों को दिखा रही हूँ। और जिंदल पार्क का बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत लोग यहाँ पर दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं इस पार्क को। तो आज हम लोग यहाँ पर आए थे तो मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ किस तरह का है। तो यहाँ से मैंने शुरू कर ली है अपनी वीडियो। तो ये दीदी यहाँ पे शिवी को जल्दी जल्दी से लेकर जा रही है। और हम आए तो भद्रकाली मंदिर में मत्था टेकने के लिए थे, लेकिन भद्रकाली मंदिर के बिल्कुल सामने ही जिंदल पार्क पड़ता है। तो बच्चों का मन था और दीदी भी आए हुए थे, तो हमने कहा कि चलो देख लेते हैं। और हमें भी काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पर आए हुए। और होता है ना कि अगर बच्चे वगैरह साथ में हो तो बच्चों का मन हो ही जाता है इस तरह की चीज़ें देखने का। तो हमने कहा दूर ही कितना है, तो बिल्कुल एक सड़क है जो बीच में पड़ती है भद्रकाली मंदिर के मंदिर से। तो बस बीच में सड़क है और उसकी दूसरी साइड पे ही जिंदल पार्क है। तो फिर हम लोग इधर आ गए थे और खाना वगैरह हो गया था हमारा वहाँ पर। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आ गए थे घूमने के लिए। ये मेरे हस्बैंड जो है वो वहीं पे बैठे हुए थे, हम उनको वहीं छोड़ आए थे, क्योंकि हमने कहा कि चलो हम बच्चों को खुद ही दिखा लाते हैं। तब तक वो वहाँ पे बैठ के गप्पे सप्पे मार रहे थे अपनी जो फैमिली वाले थे, जो परिवार वाले लोग वहाँ पे आए हुए थे। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं अपनी मस्ती में जुट गए थे आते ही। और बच्चों को जो होता है कि कुछ भी देख लिया हो तो उस पर चढ़ चढ़ के देखते हैं। और मेरा भी बहुत मन हो रहा था इस पे जो चढ़ने का, मतलब इस पे जो ये झूले वगैरह थे, जो ये चीज़ें थी, तो मैं भी एक उसमें चढ़ी थी। और यहाँ पे दीदी का भी मन हो रहा है यहाँ से उतरने चढ़ने का। तो हर किसी का होता है, बड़ों को भी देख के मन हो जाता है बच्चों को देख के मस्ती करते हुए। और कुछ टाइम अगर हम लोग मस्ती का निकाल लेते हैं तो उसमें हर्ज भी क्या है, थोड़ा टाइम तो हमें मस्ती का निकाल ही लेना चाहिए। ऐसे भी सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। तो छुट्टी के दिन हैं, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, और यहाँ पर दीदी का मन हुआ ऊपर चढ़ने का। और दीदी को थोड़ा सा डर भी लग रहा है, वो कह रही हैं कि ये टूट ना जाए मेरे बोझ में। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मोटी हैं। और होता है मम्मी उनको बोलती भी रहती है इतनी मोटी इतनी मोटी, तो इस वजह से उनको हर बार यही लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। हालांकि इतनी है नहीं, इतना तो नॉर्मल इंसान होता ही है। तो यहाँ पे दीदी ने चढ़ के देखा और अच्छा लगा, इस तरह से मस्ती कर रहे थे सब लोग। तो यहाँ पर बच्चे ये दूसरी तरफ दूसरे झूले पर जा चुके हैं। तो यहाँ पर कई झूले थे और एक झूले पर मैं भी गई हूँ, तो आप भी देखिए।
सब बच्चे मस्ती कर रहे थे, झूल रहे थे और कूद रहे थे। तो शिवी का भी मन कर रहा था, कई जगह पे उसका मन कर रहा था कि मैं भी बैठूं। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की थी इस जगह पे शिवी को बिठाने की, लेकिन वो फिर भी बैठी नहीं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कोशिश की थी लेकिन वो नहीं बैठी और वो उतर गई साथ के साथ ही। उसको डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। और यहाँ पर हर कोई था, बस एक मेरा बेटा ही नहीं आया था। उसका मन नहीं था और वैसे गाड़ी में जगह भी नहीं थी उसको बिठाने की, लेकिन वो उसको आना ही नहीं था। कोशिश तो हम लोग कर लेते लेकिन वो आया ही नहीं। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ ऊपर चढ़कर झूला झूलने के लिए, और मुझे झूले पर जाता देख सभी छोटे बच्चे भी जिद करने लगे कि हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। लेकिन उस पर चढ़ाना बहुत मुश्किल था बच्चों को, क्योंकि गिर जाते, वो ज़्यादा ऊंचाई पर है इसलिए। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ और ये देखिए बच्चे भी पीछे पीछे हो गए हैं, लेकिन वो उसके अंदर नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे डर, थोड़ा सा डर लगता है, बड़े तो निकल जाते हैं। और यहाँ पर मस्ती करने के बाद हम लोग चल दिए थे। और आगे मैं दिखाऊंगी आपको कि जो पेड़ पौधे हैं वो घोड़े की स्टाइल में बने हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो वहाँ पर हमने सेल्फी वगैरह भी ली हैं। ये देखिए ये किस तरह से एकदम घोड़े की आकार में नज़र आ रहे हैं पेड़ पौधे। और यहाँ पर तरह तरह के इस तरह के बने हुए हैं। और यहाँ जो सामने आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर पानी की तरंगों पर संगीत चलता है, लाइट एंड शो जो होता है। और उस बस उसके बाद हम लोग देखने के बाद यहाँ पर आइसक्रीम खाने लगे थे। दीदी आइसक्रीम ले आए थे तो हम सब ने आइसक्रीम खाई यहाँ पर खड़े होकर। और बच्चे यहाँ पर खिलौने खरीदने की जिद कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर सामने ही खिलौने वाला था। और फिर नेक्स्ट डे की बात है, ये मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ यहाँ पे। और मेरी देवरानी जो है सोनिया, मेरी देवरानी का नाम सोनिया है, तो सोनिया खाना खाना वाना बना रही है, नाश्ता वगैरह बना रही है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर रही हूँ। यहाँ पर ये चादर जो है काफ़ी गंदी सी हो गई थी, मैंने सोचा कि चलो मैं झाड़ के बिछा देती हूँ। और होता है ना, बच्चे जो है कूदते हैं तो बच्चे इधर उधर चादर को कर देते हैं। तो ये चादर मैंने काफ़ी टाइम से ली थी और बहुत अच्छी निकली है ये चादर। सिर्फ 250 रुपये की ली थी मैंने, गांव में ही बेचने वाला कोई आया था तो तब ली थी मैंने। और ये चादर मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर मैं पूरे बेड को क्लीन कर दूँगी क्योंकि कई दिन से सोनिया का भी टाइम नहीं लग रहा था। और बस बच्चों के चक्कर में टाइम ही नहीं लगता है इस तरह के जो डीप क्लीनिंग जो होती है वो करने का। तो यहाँ पे मैं हल्के हल्का सा यहाँ पे साफ़ कर दूँगी जल्दी जल्दी सी, क्योंकि हमें ये हो रहा था कि आज मेहमान भी आएंगे। ये कमरा जो है मेरे बेटे का है, हालांकि तक सोया नहीं है, वो अकेला नहीं सो सकता, अपनी अम्मा के पास सोता है गांव में। तो और अब हम शहर आ गए हैं तो हमारे पास ही सोता है, वो अकेला सोते हुए डरता है। तो यहाँ पर मैंने उसके ये टैडी वगैरह भी रख दिए हैं। और ये एक टैडी शिवी का है जो उसके होने के बाद मेरे घर से आया था। तो यहाँ पर बाकी का सारा सामान भी मैंने बेड पर ही रख दिया है। ये दीदी के बैग वगैरह रखे हुए हैं, ये सब इकट्ठे करके रख दिए हैं। तो यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह पूरी करके पोछा वगैरह लगा लूँगी, बस उसके बाद मेरा सारा काम जो है निमट जाएगा। और फिर हम लोग जाएंगे किचन में। किचन में सोनिया जो है खाना वगैरह बना रही है तो मैं भी वहीं चली जाऊंगी ये सब काम निपटाने के बाद। और ये देखिए खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है। मैंने आपके साथ ये सब रेसिपी नहीं शेयर की है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो अगर मैं ये रेसिपी वगैरह शेयर करती तो यहाँ पे मेहमान भी आ चुके हैं, मेरे नंदोई आए थे। तो यहाँ पर खाना वगैरह सारा कुछ बन चुका है और यहाँ पर दीदी जो है खाना डाल रही है। इस तरह से ये कटोरी में चावल इसलिए जमा रही है क्योंकि ये अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए ये चावल कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे रखे हुए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो बना रही क्या बन गया? ऐसे बोल लो। हाय गाइस।
हरियाणा का आज साइड से ये है हमारी साइड से शैतान।